हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर सोलो सर्वाइवल। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ओपी होने वाला है, तो पहले से गाइस वीडियो को लाइक करना बनता है, मतलब पहले से वीडियो को लाइक कर दो। आज टारगेट रखते हैं 400 लाइक का, देखो है जाके कंप्लीट हुए कि नहीं, आपने लाइक किया है क्या नहीं जाके देख लो। तो गाइस आज के एपिसोड में हम मोसासोर को टेम करने वाले, जो कि अंडर वाटर का सबसे खतरनाक डायनो है, ठीक है। तो यार इसके लिए मेरे को 5-6 मोसासोर की बलि देनी पड़ी, उसके बाद जाके भाई वो एक हाई लेवल का मोसा स्पॉन हुआ है। तो आज हम टेम करने वाले 120 लेवल का मोसासोर जो कि स्पॉन हो रखा है, एंड सर्वर में सोलो में मीडियम डिफिकल्टी में खेलता हूँ, तो आई थिंक 150 लेवल तक मैक्स है, लेकिन अपने को मिला है 120 जो कि काफ़ी सही, लेकिन नहीं तो मेरे को मिलते 55-45 समथिंग लाइक ऐसे मोसासोर मिलते हैं। चलो अभी अपने को रेयर प्रॉब्लम मिल चुके हैं जो कि काम के नहीं है, मतलब कभी भी खाने में काम आ जाते हैं। तो गाइस मोसासोर को टेम करने के लिए अपने को चाहिए केवल, क्योंकि प्राइम मीट से तो अपन झोल होने नहीं वाला, तो मोसासोर के लिए प्रीफर्ड है क्वेटजिल का कीबल। तो आपने क्वेटजिल का थोड़े से इम्प्लांट ले रखे है, क्योंकि अपने को थोड़े से हाई लेवल के क्वेटजिल चाहिए थे, ताकि मैंने थोड़े से क्वेटजिल को फार्म किया था, मतलब उसके इम्प्लांट ले रखे थे। अभी उनका इम्प्लांट का कुछ काम नहीं है, तो उस काम हम कर लेंगे कन्वर्ट कीबल्स में। चलो तो बराबर से हम उनको कीबल में कन्वर्ट कर देते हैं टेक कीबल प्रोसेसर की मदद से। ये आपको पता होगा, आपको डंजन में मिल जाता है। एंड गाइस मेरे को बताइए डंजन का एपिसोड आने चाहिए अपने चैनल पे या नहीं आने चाहिए, देखो, क्योंकि डंजन में तो हो चुका मैं बोर, क्योंकि वही चीज़ें रिपीट हो रही है बार बार, तो ऐसा मेरे को ऐसे फील अंदर से आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि डंजन की सीरीज जो है वापस एक बार आ जाए, तो गाइस आज लिख दो कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई हमको डंजन चाहिए, या फिर वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करो ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ भाई आपको चाहिए। और समथिंग लाइक उसको देखो मोसासोर को ट्रैप करने के लिए अपने को चाहिए बीमत स्टोन के, ये आप मेटल के यूज़ कर सकते हो, मत करना, ठीक है, कभी मत करना मेटल के बीमत, कभी मोसासोर को ट्रैप करने के लिए मत यूज़ करना। क्यों यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके जो ऊपर छपरा रहता है ना वो खुला होता है, एंड हमारे से एक बार गलती हो चुकी थी, तो भाई दिक्कत बहुत आई थी। तो यहाँ पे भाई उसका जो टॉर्पर ड्रेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो नार्कोटिक वगैरह लगे ले लेना। एंड मैं ले रहा हूँ एक सूदिंग बाम, बिकॉज यार उसका 120 लगा, तो ऑब्वियसली भाई टाइम होने बहुत टाइम लग जाएगा। एंड उसका सैडल रहता है, हमारे पास टेक का सैडल पड़ा है मोसासोर का, जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल तक उसको लेके जाएगा। एंड चलो यहाँ पे अभी अपना ट्रैप बन के रेडी है, उठाने का बाकी है, कहाँ गया, ओके ये रहा ट्रैप, 4 बीमत गेट और ये क्या बोलते हैं उसके डोर्स। एंड गाइस उसको नॉक करने के लिए मैंने ले रखे टॉक्सिंग एरोज, बहुत सारे टॉक्सिंग एरोज मैंने बना के रखे उसके लिए। एंड शॉटगन तो आई डोंट थिंक सो पानी में चलती है, बिकॉज शॉटगन के लिए क्या ही कर सकते हैं। ग्रिफिन भाई आज तेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा, तेरे साथ में घूमते रहता हूँ ये, तो यार क्या ही कर सकते। गाइस कमेंट में बताओ आपका फेवरेट डायनो आर्क मोबाइल में कौन सा है, फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरा ग्रिफिन है, तो आप बताओ आपका कौन सा फेवरेट डायनो है, ठीक है। चलो सारी तैयारी हो चुकी है, हम चलते डायरेक्टली जाके अभी मोसासोर के पास, जा उसको स्पॉन हुआ लोकेशन है वहाँ पे हम जाते हैं, एंड वाइक करते हैं उसको टेम, कैसे टेम करना है, कैसे ट्रैप करना है, ये सब अब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और चलो फिलहाल के लिए मेरे को क्या चीज़ करनी होगी, सबसे पहले तो मेरे को अपना आर्मर चेंज करना होगा, ठीक है। चलो आर्मर तो मैं चेंज कर लूँगा, मैंने ये ले लिया नॉक करने के लिए ले लिया, कीबल ले लिए, बायोटॉक्सिन, सूदिंग बाम, सैडल, ओके मैं एक और चीज़ भूल दिया, मैं एक और चीज़ लेके आता हूँ फटाफट से, वो है मेटल चेंज, क्योंकि देखो सोलो में अगर आपको डबल एक्सपी का मतलब करना है तो आप मेटल चेंज यूज़ कर सकते हो। मेटल चेंज कॉलर से होता क्या है, जैसे आपका क्रीचर, आपको क्रीचर को पहनाते हो तो आपका जो क्रीचर का लेवल एक्सपी जो है वो डबल हो जाता है, एटलीस्ट मतलब एक से एक गुना बढ़ जाता है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, उससे आपका लेवल भी अच्छा खासा आ जाता है अपने मोसासोर का। तो वो हम ले लेंगे एक बार बराबर से, इसको लिए देखो ये रहा मेटल चेंज, मेरे पास मेटल चेंज भर भर के पड़े हुए हैं, लिटरली मतलब भर भर के, इतने बताओ इतने भरे पड़े हैं तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। चलो अभी चलते डायरेक्टली उसको टेम करते हैं, सबसे पहले तो मेरे को मेरा आर्मर चेंज करना होगा, और बिकॉज टेक सूट मेरा बहुत डैमेज है, बंदा मेरे को बोल रहे थे आप टेक सूट काम का क्या आप यूज़ नहीं करते, भाई उसको बोलने में जो मेहनत लगी ना भाई तुम नहीं जान सकते, गॉड कंसोल वाले प्लेयर नहीं जानेंगे भाई, हमारे पास ब्लैक पर्ल की इतनी कमी है ना भाई सोलो में, क्या ही बोले अब ब्लैक पर्ल की कमी होती नहीं ना, तो अब मेरे बेस पे टेक टेलीपोर्टर लगा होता, टेक वो जो टेक टू का जो भी बनता वो सब लगा होता, भाई दिक्कत है बड़ी ब्लैक पर्ल की। ओके तो डायरेक्ट चलते अभी मोसासोर के लोकेशन के पास, एक सेकंड को चेक कर दे, देखो इसके अंदर खाना नहीं है, इच्छी का दिक्कत यही है, जिनके पास खाना नहीं होता तो ये लोग चिल्लाते रहते हैं उई करके, तो अपने प्लीसियोसोर के भैया के पास एक और खाना होगा, मेरे को एक काम करना है पता है, एक और हाई लेवल का प्लीसियो टेम करना है, एंड ब्रीडिंग करके प्लीसियो को ये हैच करना है, मतलब एक और प्लीसियो निकालना है, तो वो मेरे को करना है एक चीज़। चलो तो उसके ऊपर मैं एपिसोड बना दूंगा अगर आप चाहते हो तो, नहीं तो भाई प्लीसियो के मैं ऐसे ही ब्रीडिंग कर दूंगा एक कोई भी लेवल का ढूंढ के, अगर हाई लेवल का मिलता है तो मैं उसको वापस एक बार एपिसोड लेके आ जाऊंगा प्लीसियोसोर के ऊपर अपने। चलो
फिलहाल के लिए हम चलते रहे एक मोसासोर, मोसासोर बहुत सारे लोकेशन पे स्पॉन होते हैं, जैसे कि रेड ऑफ के पास होते हैं, स्नो बायोम में होते हैं और साउथ की साइड होते हैं। बस ये इतनी सारी जगह है जहाँ पे मोसासोर स्पॉन हो सकते हैं। ईस्ट में जो कम दिखते हैं मोसासोर, कभी कभी ईस्ट में दिखते और यहाँ पे वैसे लोग कुछ काम का नहीं, वैसे लोग ट्रैक चलते गए। उस लोकेशन पे मेरे को कुछ मिला है एकदम साउथ, एग्जैक्ट साउथ के पास मेरे को मिला, जो आइलैंड है ना वहाँ पे सी टाइप का, वहीं पे मेरे को मोसासोर मिला है। चलो देखते हैं भाई क्या उसका लेवल है क्या है। एंड गाइस हम आ चुके हैं यहीं पे और ओके ओके गाइस, तो ये रहा अपना मोसा जो इसको हम आज टेम करने वाले। ये देखो 120 लेवल का मोसासोर। और भाई तू क्यों है यहाँ पे गाइस? मेरा इतना पता नहीं क्या है, इतना मेरे को इतने लिप्रोडन मिलते ना, अरे किश्तियों में मिलते, किश्तियों में भाई, कि ये लो लिप्रोडन चाहिए ले लो, एक चाहिए, एक से पेट नहीं भरा दो चाहिए ले लो, दो से भी पेट नहीं भरा तीन चाहिए ले लो। भाई ऐसे मिलते पता तुमको मेरे को लिप्रोडन, पता नहीं क्यों रेयर है, रेयर है क्यों, किस लिए, कुछ होगा तो सही रीज़न भाई, रेयर है वो, चमकने चुमकने की स्किन है वो नहीं चाहिए भाई हमको, उसका कोई यूज़ भी तो नहीं है। आर्क मोबाइल वालो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे कि भाई हमको है ना लिप्रोडन की कुछ एबिलिटीज़ चाहिए, वो प्लीज़ ऐड करो, अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका गेम, आपका गेम जो यहाँ था वो वहाँ पहुँच जाएगा, समझ रहे हो आप, मतलब इंटरेस्ट आएगा पब्लिक को भाई लिप्रोडन टेम करने में। भाई किसी को नहीं आता इंटरेस्ट लिप्रोडन टेम करने में, पता नहीं क्यों भाई, लेकिन बहुत। और ये स्नैप क्यों नहीं हो रहा भाई, दिमाग घूमे जा रहा है मेरा, एक सेकंड मेरे को थोड़ा दूर जाके इसको स्नैप करना पड़ेगा भाई, स्नैप क्यों का ही नहीं हो रहा, मतलब लग क्यों नहीं रहा है ये ज़मीन पे। अबे अच्छा लगा, अभी लगा भाई, एक सेकंड लग जा लग, ओके भाई इसकी बहुत दिक्कत है यार, मतलब एंगलर भाई, एंगलर ऐसी प्रजाति है जिसको हम जिसकी ताव तो भाई खतरनाक है ना, ऐसी ताव ताव में आती रहती है, आ जाओ हम तुझे मार ही देंगे, और भाई खुद मार खा के चली जाती है, क्यों क्यों भाई क्यों, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई ऐसी है ये एंगलर। ओके एक और लगाना है, एक और, हाँ भाई आ जाओ भाई मार ले, हाँ भाई हाँ भाई भाई एंगलर, हाँ हाँ भाई आ जाओ कहाँ है एंगलर, आ जाओ, एक शॉट की नहीं भाई एंगलर, क्या ही कर सकती इनको भी भाई, रुक जाओ इनको मैं कर लेता, नहीं तो भाई मोसासोर इस पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बॉडी पे। हाँ भाई मेरे को खाना चाहिए, मैं पहले खाना खाता हूँ, ऐसा हो जाएगा नहीं तो। चलो इसको भी कर लेते, आ जा, इसे एंगलर जेल मिलता है वैसे, आपको पता नहीं होगा तो एंगलर से मारने को आपको एंगलर जेल मिलता है, उसका यूज़ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा लाइट वाइट देता है, और भाई एंगलर जेल जलाने के लिए काम आता है कुछ, मतलब कैंप फायर वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो हो चुका है ये सब रेडी, ट्रैप रेडी, आपको बस क्या करना है बिम्मत गिर ऐसे लगा देने पानी में, अगर आप चाहते हो तो आप बिना ट्रैप के भी टेम कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर हाई लेवल का मौसा है तो, क्योंकि पानी में शॉकिंग डर से चलते हैं नहीं, तो भाई आपको टॉक्सिक एरोज ही मारने पड़ेंगे, एंड वो बहुत दिक्कत देते हैं, ठीक है भाई। लिटरली पता है ये बंदा बहुत एरोज खाने वाला है, बिकॉज उसका टॉर्पर जो है वो देखेंगे कितना, पता नहीं मतलब एग्जैक्टली कितना है, लेकिन हाँ इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ओके नहीं हुआ, एक और बार, अभी भी नहीं हुआ, एक और बार, ओके हो गया। चलो चलते हैं और टीम करते हैं अपने मौसा भाई को, आ जाओ समोसे, किधर है तू, इसका इस नाम मेरे को अच्छा चाहिए, ठीक है इसका एकदम अच्छा नाम चाहिए। ओके आ जा, इसको ऐसे एग्रो नहीं, अगर मैं इस चीज़ से मारूंगा तो एग्रो होगा नहीं मेरे पे, मतलब थोड़ा सा एग्रो होगा बाद में ये हो जाएगा। अभी चलो लगा इसको एक, आ जा मैं पीछे आ जा, लिप्रोडन तू बाहर में जा, तेरा कुछ काम ही नहीं भाई गेम में। ओके आ रहा है भाई, कैसा दिख रहा है देखो ना, ऐसे लग रहा है बड़ा कछुआ आ रहा है भाई। ओके आ जा, वहाँ पे इलेक्ट्रो कॉर्पस है, उसको भी टेम करना है मेरे को, पता नहीं क्या करती लेकिन टेम करना जरूर है उसको मेरे को। आ रहा है आ जा मेरे पीछे, अबे कहाँ उधर जा रहा है, कहाँ उधर मुंह मार रहा है भाई, इधर आना भाई। ओके नहीं लगा, मेरे को लगा ही था नहीं लगेगा, अब तो भाई लगना ही चाहिए। ओके लगा, आ जा आ जा पीछे, आ जा पीछे मेरे भाई तू पीछे आ। ओके आ जा धीरे धीरे एकदम हल्लू ट्रैप हो जा। आ गया ओके आ गया, जस्ट आ गया, घुस जा अंदर। ओ भाई नाइस भाई, रुक जा एक सेकंड, मार मत मेरे को, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ भाई, तेरे को टीम ही कर रहा हूँ मैं, लग जा। ओ लग रहा था, ओके चलो गाइस कहाँ गया। ओके चलो गाइस, अपना मोसासोर जो है वो टीम हो चुका है, नहीं नॉक हो चुका है, नहीं ट्रैप हो चुका है, ठीक है। तो अपना मोसासोर जो है वो ट्रैप हो चुका है, अभी इसको हम क्या करेंगे, नॉक करेंगे, और यहाँ पे सामने अपने दुश्मन से, जो कि भाई बहुत इरीटेट करते हैं भाई, इतने इरीटेट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत इरीटेट करते हैं ये लोग। चलो अभी मैं यहाँ पे, ओके वहाँ पे एमोनाइट घूम रहा है, एमोनाइट जैसे कुछ करता है नहीं। चलो अभी गाइस इसको टॉर्पर लेके, जिसको टॉर्पर क्या है 24K, ओके मतलब एक गीगा का जितना टॉर्पर है उसका, मतलब शायद से गीगा का टॉर्पर आई थिंक इतना ही होता है भाई। चलो इसको मारते हैं फटाफट से, कितने एरोज है देखते भाई। चलो मैं गिने ही नहीं है कितने मारे, 4 5 6 7 तो मार ही ले होंगे आपके भाई,
ओके ओके, कितने एरो खाएगा मुझे नहीं पता, घंटा नहीं पता कितने एरो खाएगा। मारते जाओ लगातार मारते जाओ। वो इतना ऐसा क्रॉसबो होता ना, क्रॉसबो देखो क्रॉसबो क्या है। ओके और 9K हो गया। क्रॉसबो में आई थिंक मेरे पास है, लेकिन क्रॉसबो में टाइम बहुत लगता है, मतलब रिलोड करो फिर मारो, रिलोड करो कभी ग्लिच हो जाता है, रिलोड होता ही नहीं, लेकिन एरो बिटता ही नहीं उस पर। तो यार ये सारी चीज़ें होती रहती है क्रॉसबो के साथ। उससे अच्छा है कंपाउंड बो है। अगर आपको नहीं पता कंपाउंड बो कहाँ से मिलता है, तो आप हंट वैसे लो करो या फिर स्ट्रॉन्ग की जो है वो ट्रिब्यूट मारो, आपका बना बनाया हुआ कंपाउंड बो आपको मिल जाएगा। अगर आप ईजी में खेलते हो तो शायद से असेंडेंट का ना मिले, लेकिन आप मीडियम हार्ड या ब्रूटल पे खेलते हो तो आपको ईजिली मिल जाएगा। चलो अभी यहाँ पे मौसा डाउन नहीं हुआ है, अभी 1920। ओके फाइनल शॉट मार देता हूँ, हो जाएगा। ओके 1 2 3 भाई। ओके 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 ओके, चलो देखा जाए इसको टॉर पर क्या है। भाई टॉर पर देखना है मेरे को, एक स्पाइलस ये रहा 22। ओके एक लास्ट शॉट मारना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। एक लास्ट शॉट मार ही दूँ क्या, एक सेकेंड, ये गया डाउन नहीं हुआ। ओ गाइस फाइनली अपना मौसा सॉर जो है वो हो चुका है अपना डाउन। और ओके कोई आ नहीं रहा ना बस। ओ भाई पूछ देखो कितनी बड़ी है भाई, हेलो मजाक है क्या इतनी बड़ी पूछ। तो गाइस अपना मौसा सॉर जो ऐसे हो गया नॉक, अब इसको देना है कीबल एंड भाई साहब करना है इसको टीम। चलो पर आप देते सूदिंग माम सबसे पहले देंगे इसको एंड देंगे इसको कीबल। ये रहे कीबल, 4 कीबल इवन इनफ हो जाने चाहिए से मेरे को लग रहा है। चलो देखते अभी भाई कितना टेम होता है एक कीबल में ये। एंड देखो गाइस यहाँ पे भाई मेरे को ऐसा किसी का आवाज़ तो भी हाँ लगा ही था मैं वही सोचूं किसी का आवाज़ आ रहा है भाई दूर से, वैसे तो दूर से भाई शौक देती है, बहुत गंदी शौक देती है, पता नहीं ईल है भाई ये, आर्क मोबाइल की ईल बोलते हैं इसे भाई, क्या ही पता इसको टीम करने से होगा क्या मुझे पता नहीं, लेकिन टीम ज़रूर करना है इसको। एंड मैं सोच रहा हूँ भाई नेक्स्ट एपिसोड में एक टेक की चीज़ बनाऊँ, जो कि मेरे को बड़ी इच्छा है बनाने की, लेकिन मैं कभी बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आई होप सो मैं नेक्स्ट एपिसोड में देखूंगा उसको बनाने का। एंड गाइस मेरे को 200 भी मिला है, क्या मेरे को 200 टेम करना चाहिए, क्योंकि 200 ज़्यादा लेवल का है नहीं, लेकिन ज़्यादा लेवल मिलता भी नहीं है, तो आई गेस मैं 200 टेम करने वाला हूँ नेक्स्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आर्टिक सरवाइवल कहाँ है भाई, किधर है यार, तुम कब से बोले जा रहे हो आर्टिक आ रहा है आ रहा है आ रहा है। भाई गाइस थोड़ा देर वेट करो यार, आ जाएगा आर्टिक सरवाइवल भी आ जाएगा। तो चलो फिलहाल के लिए ये सब इसको करते हैं, ये सब वगैरह वगैरह, इसको बायोटॉक्सिन खिला दिया है मैंने, अब देखते हैं ये पहली बार में कितना टेम होता है किबल प्लस सूदिंग बाम के साथ। ओके ओके 33% मतलब 66, 99 और 100, मतलब 4 कीबल भाई, एग्जैक्ट कीबल लेके आया हूँ मैं, एग्जैक्टली कीबल उतने ही चाहिए थे। एंड गाइस अपना मौसासोर जो है वो फाइनली टेम होने वाला है, जस्ट 3 2 1 एंड बूम। चलो गाइस फाइनली अपना मौसासोर जो है वो टेम हो चुका है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने, नए लोग हैं मेरे चैनल पे और आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जाके फटाफट से दबाओ सब्सक्राइब का बटन, अपने को 10K जल्दी से हिट करने हैं मेरे भाई लोग जल्दी। और अपना गाइज एक और इम्पोर्टेंट नोटिस, एक खतरनाक सी नोटिस अपने आ रही है, ठीक है एकदम ओपी वाला आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, लेकिन आपको उसके लिए इस वीडियो पे 400 लाइक्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है तभी वो चीज़ मैं रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। एंड देखो देख सकते हो आप अपना मौसा सॉर्ज है वो एकदम ओपी दिख रहा है, टेक्स एडल के साथ पता नहीं घिचड़ घिचुड़ दिख रहा है, लेकिन भाई दिख रहा है। मैं अभी खेल रहा हूँ अपने आर के क्या बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग में, जो कि मीडियम प्लस आधा रेजोल्यूशन। भाई ये मेरे को क्यों मार रहा है लिप्रीडोन, तेरे को मरना है क्या भाई, मेरे को ये बता मरना है तेरे को। देखो गाइस मैं आपको सेटिंग बताऊं आर्क की, मतलब जो आप ग्राफिक्स में, मतलब आपका मोबाइल एकदम हाई एंड डिवाइस है एंड आपको अच्छी ग्राफिक्स भी चाहिए सब कुछ चाहिए, तो देखो ग्राफिक्स के सेटिंग में जाओ, बस रिस्टोर डिफॉल्ट मार दो अगर, और शो कैरेक्टर वो ये सब कर दो, आपकी ग्राफिक्स एकदम से अचानक से ओपी हो जाएगी, पता नहीं ऐसा लगेगा आप फुल रेजोल्यूशन में खेल रहे हो लेकिन आप खेल रहे होते हाफ रेजोल्यूशन में, पता नहीं ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद आ रही है कि आर्क मोबाइल की, बस यही चीज़ पसंद आई है। चलो तो गाइस हम इसको फॉलो करके, इची को फॉलो करके चलते हैं। अब मैंने एक और मौसासोर देखा है, उससे अपने मौसासोर को लड़ाते हैं, देखते हैं अपना मौसासोर कितना पावरफुल है। और भाई साहब टेक सेटल के साथ ही क्या इसकी स्पीड देखी जाए तो भाई इसकी स्पीड काफ़ी सही है, मतलब इतनी भी बुरी नहीं है इसकी स्पीड, इसके हिसाब से बहुत सही स्पीड है इसकी। तो गाइस ये रहा ये मौसासोर, देखो ये देख सकते हो ये ज़्यादा हाई लेवल का है नहीं। एंड ये देखो ये रेड ऑफ के पास है, देखो रेड ऑफ के पास दो जगह है, तो ये सबसे कॉर्नर वाली जगह है और रेड ऑफ के साउथ वाले साइड नीचे की साइड वहाँ पे दो जगह है, वहाँ पे दो मौसासोर स्पॉन हो सकते हैं अगर आपको चाहिए। मैगलाडोन आ चुकी है पीछे, चलो ओके। ओ गाइस अपना मौसासोर, अपन ने मौसासोर को पेल दिया और मैगलाडोन को भी पेल दिया, चलो गाइस मतलब मिल डैमेज इसका ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन
अपने बैसिलो का भाई जो मिल डैमेज है ना वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। इससे भाई मोसा तो कुछ नहीं है उसके सामने भाई, सही बता रहा हूँ। अल्फा मोसा को यूं मार देगी बैसिलो मेरी, पता नहीं क्यों। तीन लेवल ओके, हाँ स्टार्टिंग है ना तो तीन लेवल चले मोसर को मारा अपने। इसका हेल्थ तो उसका वेट ठीक ठाक बढ़ रहा है, हेल्थ इसका 1.2 के बढ़ रहा है एक बार में। मिली डैमेज 13 27, ओके तो मैं मिली डैमेज पे जाऊँगा। फिलहाल के मेरे को इसका मिली डैमेज चाहिए ज़्यादा, इसकी 11,000 हेल्थ है जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है नहीं, मतलब इसकी इसके लिए काफ़ी डिसेंट लेवल है, मतलब डिसेंट हेल्थ है इसकी। आई थिंक मैं इसकी पम्प करूँगा 20K तक, शायद से 20 या 15K तक पम्प कर दूँगा, एंड ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि इसको इसका मेरे को मिल डैमेज पम्प करना है, और मिल डैमेज एक बार पम्प कर लूँ मैं तो भाई क्या ही हो जाएगा। चलो इसको नहीं मार, ठीक है ओके। उसका मुँह ही नहीं पहुँच रहा भाई का, ओ भाई साहब। एक सेकंड मैं यहाँ पे निकलता हूँ एक बार, एक अबे अबे कहाँ फंस गया, अबे कहाँ फंस गया दादा भाई, ये बंदा फंसता बहुत है भाई, तू फंसा मत कर, तू बहुत फंसता है यार। ओके भाई 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 भाई, चलो इसको यही यही पे रखते। तो गाइस इसके लिए अच्छा सा नाम सजेस्ट कर देना अपना, मोसासोर के लिए एकदम खतरनाक नाम होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर सूट करे ऐसा नाम होना चाहिए, एकदम मतलब तबाही नाम होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो चलो गाइस, अबे यार ये चिरचिंडा कहाँ आ रही भाई, तुमको भाई मारने का मेरे को शौक नहीं, ठीक है, तुमको मारने का ज़रा भी शौक नहीं है। तो गाइस होप आपको आज की वीडियो पसंद आ चुकी होगी, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ चुकी होगी तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, एंड इंपॉर्टेंट नोटिस आने वाली, बहुत सही नोटिस जो आपको सुन के बहुत मज़ा आने वाला, ठीक है, बहुत सारी पब्लिक को मज़ा आने वाला है, ठीक है, बहुत सारी पब्लिक को मज़ा आने वाला है, तो वो कर देना, ठीक है। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो की इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। We'll be right back.